तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि दुनिया में जो जंतु है उनकी संख्या जो है या उनके प्रकार जो एक है कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, एक हो गया हमारा अमीबा, ठीक है ना, और एक मान लेते हैं मानव, और एक मान लेते हैं सांप, ठीक है ना। तो ये तीन एग्जांपल जो है समझने के लिए काफी है। अमीबा जो है इसका भोजन करने का तरीका अलग है, मानव का जो है चबाकर खाने वाला सिस्टम है, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली जो है अपने शरीर के अंदर पकड़ता है, जो आहार होता है उसको क्या करता है, ये घेर लेता है, ठीक है ना, इसको ये क्या करता है, घेर लेता है। अभी कैसे घेरता है वो भी बताएंगे। मानव जो है कोई चीज चबाकर खाता है ना, मतलब उसका छोटा छोटा टुकड़ा बनाता है, नहीं बनाता है, बनाता है, तो चबाने के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, हाँ छोटे छोटे टुकड़े बनाता है। लेकिन जो है सांप, आप देखेंगे कि जो भी चीज खाएगा इस सीधा निगल जाएगा, कभी भी जो काट पीट के नहीं खाता। तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, सीधा निगलना, संपूर्ण शरीर निगलना, ठीक है ना, बात सुन जाए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये आहार को पहले घेर लेता है, फिर उस पे जो है ये क्या बोलते हैं, एंजाइम या केमिकल का जो है पाचक रस, हिंदी में कहते हैं पाचक रस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, एंजाइम, ठीक ना, का श्रावण करता है। श्रावण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि किसी के शरीर पर आप तेजाब फेंक दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसके शरीर को गलाना शुरू कर देगा धीरे धीरे, ठीक ना। तो ऐसे जो पाचक रस होता है या भोज्य पदार्थों को क्या करता है, गलाने का काम करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पहले क्या करता है, घेर लेता है, ठीक, और इसमें क्या क्वालिटी होती है, ये खाने के बाद उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करता है, और ये जो है पूरा का पूरा शरीर निकल जाएगा, उसको काटे पीटेगा नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सांप में निकल मतलब भोजन को जो ग्रहण करने का एक तरीका होता है, जैसे मान लेते हैं ये सांप है, ध्यान दीजिएगा सांप जो भोजन कैसे करता है, मान लीजिए मेला वाला सांप है ना, पीछे से नहीं मतलब आगे से मतलब मुंह से मतलब, हाँ हाँ पानी वाला है, कोई भी है, अपना अपना फीलिंग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके मुंह में देखेंगे कि हमारा जो दांत है ना वो आगे की तरफ निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा हमारे और इसके दांत में अंतर क्या होता है। आज तक आपने देखा होगा कि जल्दी कोई सांप जो आप कितना प्रयास कर लीजिए ना, कोई चीज एक बार उसके मुंह में घुस गया तो निकलने वाला नहीं है, उसका बेसिक कारण होता है। जैसे मान लीजिए हमारा दांत कैसे निकला हुआ, बाहर की तरफ मतलब जो है या तो 100% सीधा या फिर आगे की तरफ हल्का सा निकला हुआ है, मतलब आगे की तरफ निकला हुआ है, इसमें क्या क्वालिटी होता है, पीछे की तरफ जो है निकला होता है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, यस सर। और ये जो है 4x2 के क्रम में होते हैं, मतलब 4 जोड़ी ऊपर होता है, 2 जोड़ी नीचे, मतलब 4 लाइन ऊपर, जोड़ी नहीं लाइन, 4 कतार में या 4 लाइन में ऊपर व्यवस्थित होता है और 2 लाइन नीचे। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए ऐसे जो है इसके शरीर में दांत व्यवस्थित हैं, कोई शिकार यहाँ तक पहुंच गया कि धसेगा नहीं धसेगा, इसको धसेगा, और अगर धसेगा तो ये मान लीजिए इसमें आके फंस गया शिकार, ये आसानी से निकलेगा, एक के कंडीशन पे निकलेगा। आप जो है ना जानवर को पकड़ के खींचे, इसका जो दांत है सांप का जो दांत है वो जानवर को क्या करेगा, फाड़ देगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए, ठीक, कि ये किताब है मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए ये किताब है, अब इसमें जो है मान लीजिए आप किताब खरीदते होंगे, देखते होंगे कोई कोई पेज आपस में जुड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे लगाते हैं फिट को, इसके बाद क्या करते हैं फिर जो है ऐसे खींच देते हैं तो वो फट जाता है। अब मान लीजिए इसके शरीर में जो है यही दांत जो है फंसाने का काम कर रहा है, तो जब फंसाने का काम कर रहा है तो ऐसे केस में दिक्कत करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि सांप का जो भोजन निकलने का तरीका वो क्या है, अलग है, मनुष्य का क्या है, अलग है, और अमीबा का क्या है, अलग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितना जीव है सबका अपना जो है भोजन
ग्रहण करने का तरीका जो है अलग अलग होता है और वे अपने तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, तरीका अलग है लेकिन फाइनली जो है सबके अंदर जो है लगभग जो एंजाइम पाए जाते हैं वो सेम होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं एक कोष की प्रोटोजोआ से लेकर, ठीक है ना, अमीबा वगैरह से लेकर हमारे अंदर तक एंजाइम जो होते हैं जो भोजन को गलाने का काम करते हैं वो लगभग क्या होते हैं, एक होते हैं। इसलिए आप देखेंगे किताब वगैरह में लिखा होता है, आज तक आपने देखा फला एंजाइम नहीं, केवल इतना लिखा होता है पाचक रस या एंजाइम्स। क्यों? इसका मतलब जब सब में एक ही चीज पाया जाता है तो पांच बार लिखने क्या जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो पाचक रस या एंजाइम होते हैं वो हमारे आपके शरीर में भोजन को आकर क्या करता है, गलाता है, लेकिन निगलने या खाने का तरीका सबका क्या है, अलग अलग। कोई दिक्कत, इसको बनाइए पहले, इतना लिखिएगा इसमें। अब मान लीजिए ये सब भोजन कर लिया तो इसको पचाएगा ना, तो पाचन तंत्र पाया जाता है, बस सुनिए, इसके बाद जो है उससे है साथ लो यार, पाचन तंत्र से जो है पचाएगा, इसके बाद जो है उससे ऊर्जा ग्रहण करेगा, यही क्या कहलाता हमारा जीवों में पोषण, ठीक है ना। तो लिखिएगा विभिन्न जीवों में पोषण या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं, और इस प्रकार ग्रहण किए हुए भोज्य पदार्थों का पाचन तंत्र की सहायता से पाचन होता है। और पाचन के पश्चात जीव में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो इसके बाद हेडिंग डालिएगा अमीबा में पोषण। पुदीना सप्लायर वो बंद, ठीक है। अमीबा में पोषण की अगर बात करें तो पहले हम जानते हैं अमीबा होता क्या है। देखिए अमीबा जो है अगर बात करें ये एक कोशिकीय कैसा होता है, एक कोशिकीय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यूनिसेलुलर, ठीक है ना, और यूकैरियोटिक, और सर्वाहारी, एक और जलीय जंतु होता है, और इसके शरीर का जो आकार है, शरीर का आकार
परिवर्तनशील होता है, निश्चित नहीं होता। शरीर का आकार कैसा होता है तो परिवर्तनशील होता है, ठीक ना। तो ये जो है कुछ इसकी विशेषताएं हैं, और इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक जो होता है ये इसके शरीर में जितना काम होता है, या इस केंद्रक जो होता है समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन करता है, समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका मतलब क्या होता है देखिए, पहले यह एक कोश की होता है, मतलब इसके शरीर में इसका शरीर का एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो एक, ठीक ना। और यह यूकैरियोटिक कोशिका जो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कम विकसित होता है, यूकैरियोटिक अधिक विकसित होता है। और यह भोजन के नाम पर सर्वाहारी होता है, मतलब जो है कुछ भी खा सकता है, ठीक ना। फिर बात करते हैं कहाँ रहता है, तो जल में रहता है, जलीय होता है। अब जलीय में अगर बात की जाए तो हमारे आपके घर के सामने जो गड्ढा, तालाब, पोखरा, नदी है ना, बात सुनिए, इन सब स्थान पर ये पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाता है तो इन सब के तली वाले भाग में। कहाँ? तली वाले भाग में का मतलब क्या? नीचे कचरा वाले भाग में, बात सुनिए। तो ये जो है इसका आवास हो गया। फिर बात करते हैं इसके शरीर का आकार परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब क्या है? आज तक देखें कि आज हमारा पैर शाम को नीचे था तो सुबह में जो कान में जाके लटक गया है, नो सर, नहीं होता ना, नहीं होता। लेकिन इसका क्या होता है कि पैर जो है आज आगे है तो कल पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही। तो इसका शरीर का आकार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अब ये परिवर्तित क्यों करता है तो इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, ठीक ना, श्रम विभाजन, ठीक है, लेबर डिवीजन। तो श्रम विभाजन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में हाथ जो है ये पकड़ने का काम और फेंकने का काम, मौका मिला तो मारपीट करने का काम करता है, ठीक ना। लेकिन पैर जो है उसका काम क्या होता है? चलने का। तो हम जो है पैर से जो चलने के अलावा क्या कभी पकड़ने का भी काम करते हैं? नहीं। और हाथ जो पकड़ने का काम करता है क्या इसे चलने का काम करते हैं? नहीं करते। तो हमारे शरीर में जो है अलग अलग अंग है, इनका काम क्या है? फिक्स है, मतलब इनका काम बटा है कि एक मिला हुआ है, बटा हुआ है। तो अगर काम अलग अलग बटा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्रम विभाजन पाया जाता है। और अगर काम जो अलग अलग ना बटा हो तो उसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। तो अमीबा में जो है श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि इसके शरीर में एकमात्र कोशिका पाई जाती है और उसके द्वारा यह जो है अपना सारा का सारा काम करता है। मान लीजिए जिसके पास जो आप लोग देखते हैं कोई विकलांग होता है, मान लीजिए उसके पास जो हाथ उसका नहीं काम करता, पैर है, तो आप देखेंगे पैर से जो है चलने का भी काम थोड़ा बहुत करता है, उससे साइन वगैरह भी करता है ना, कुछ पकड़ने का भी काम करता पैर से। तो उसमें क्या हुआ? काम का बंटवारा हुआ, वो अपवाद हो गया, विकलांग वाला केस, ठीक ना। तो ऐसे ही जो अमीबा में क्या होता है उसमें जो है एक ही केंद्रक होता है और वो पूरे शरीर में जितना एक्टिविटी होता है, जितना क्रिया होता है, जितना काम होता है, वो सब जो है एक ही केंद्रक के माध्यम से या एक ही कोशिका से मैनेज करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीबा में श्रम विभाजन या कार्यों का बंटवारा नहीं पाया जाता, श्रम विभाजन या कार्यों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा, ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसको बनाइए फटाफट। तो पहले जो है हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, फिर अमीबा में पोषण, ठीक ना। तो पहले लिखिएगा अमीबा एक कोश की है, अमीबा एक कोश की है, यूकैरियोटिक, जलीय, हाँ अमीबा एक कोश की है। देखिए कौन सा जो है कब यूज करना है नंबर डाल देना है। अमीबा एक कोश की है, यूकैरियोटिक, जलीय,
कामा सर्वहारी प्रकृति का, जीव है जलीय, कामा सर्वहारी प्रकृति का जीव है, जिसमें अपने शरीर के आकार को लगातार बदलने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात इस जंतु का शरीर परिवर्तनशील होता है। और इस जीव में संपूर्ण शरीर में एकमात्र केंद्रक पाया जाता है। इस जीव में संपूर्ण शरीर में एकमात्र केंद्रक पाया जाता है। तथा यह केंद्रक अमीबा के समस्त क्रियाकलापों पर उसका जो कार्य वगैरह होता है, समस्त क्रिया कलापों पर नियंत्रण एवं नियमन करता है। अर्थात इसके शरीर की समस्त क्रियाएं इसी एक केंद्रक के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि अमीबा में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं। अर्थात अमीबा में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। इसको मिटाएं। Yeah.
अब अमीबा में पोषण हम पढ़ेंगे तो एक चीज हमको पता हो गया कि अमीबा के शरीर का जो आकार होता है वो निश्चित होता है अनिश्चित अनिश्चित। तो जैसे मान लीजिए यह हमारा जो है अमीबा है, ठीक है ना, अमीबा के शरीर का कोई आकार या आयतन निश्चित है? नहीं होता। ये मान लेते हैं अमीबा है, कुछ ज्यादा एडवांस क्वालिटी बन गया, ठीक है ना। अभी मान लीजिए अमीबा हो गया, अमीबा में जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमको ध्यान देना है कि इसके शरीर में जो है कुछ उभार जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाती है? उभार जैसी संरचना। उभार को इंग्लिश में बट बोलते हैं। है आवाज कहाँ आ रही है? तो जो उभार पाया जाता है यही इसका क्या होता है, पैर का कार्य करता है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है ना, इसमें पी साइलेंट होता है, और ये पैर जो होता है आपको पता होगा ये गतिशीलता में काम करता है, मतलब चलने फिरने संबंधी। यस सर। ठीक है ना, तो ये गतिशीलता में योगदान करता है स्यूडोपोडिया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बात करते हैं ये स्यूडोपोडिया जो होता है ये बनता और बिगड़ता रहता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है? बनता और बिगड़ता रहता है, मतलब अस्थाई है कि अस्थाई? अस्थाई है, अर्थात हम कह सकते हैं ये कैसा होता है तो अस्थाई। हमारा आपका पैर फिक्स है ना, तो अगर हमारा आपका पैर फिक्स है तो हम कह सकते हैं ये कैसा अस्थाई है कि अस्थाई? अस्थाई। और अमीबा का जो पैर है ये एक बार बनेगा एक बार बिगड़ेगा, तो अस्थाई हुआ कि बदलता रह गया? बदलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये कैसा होता है तो अस्थाई होता है, ठीक। अच्छा, अब ये अस्थाई हो गया, इतना समझ आया। और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये उभार जिधर बनेगा उसी तरफ ये गति करेगा। क्या करेगा? उसी तरफ गति करेगा। बात सुनिए, गतिशीलता इसकी क्या होगी? जिस तरफ ये उभार निकलेगा उसी तरफ इसकी गतिशीलता होगी, मतलब ये उधर चलकर जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो अमीबा का शरीर जो होता है उसमें जो है अभी हम क्या पढ़ेंगे, केवल पैर, ठीक है ना। इसका जो पैर होता है उसको हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। है शांत रहो। इसका जो पैर होता है इसको हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, और यह गतिशीलता का कार्य करता है, मतलब इसके चलन में आगे पीछे जाने में यह योगदान करता है, और इसका पैर जिधर निकला होगा उसी तरफ ये चलकर जाएगा, ठीक। और यह लगातार बनता और बिगड़ता रहता, मतलब यह अस्थाई संरचना नहीं होती बल्कि क्या होती है, अस्थाई संरचना होती है। बस समझ आई? फिर बात करते हैं इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका पैर जो अस्थाई होता है इसका मतलब क्या हुआ, आज इस तरफ है, ठीक है ना, आज इस तरफ है तो कल हो सकता है इस तरफ निकल जाए, परसों जो है इस तरफ निकल जाए, तो हम कह सकते हैं इसका पैर जो है किसी भी तरफ जो है जा करके निकल सकता है। और इसका जो ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका झिल्ली, या कहीं कहीं पे आपको कोशिका कला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम होता है, इसको जो है बाहर से सुरक्षा देना और इसके शरीर का जो द्रव्य वगैरह है उसको बचा के रखना। फिर बात करते हैं कि इसका जो केंद्रक होता है, अभी आप लोग पढ़े हैं कि इसका जो केंद्रक होता है वो किसका काम करता है, तो नियंत्रण एवं नियमन का, मतलब ये केंद्रक ही निर्धारित करेगा कि इसका पैर किधर बनना है किसका किधर नहीं बनना है। हम कह सकते हैं इसका जो केंद्रक होता है ये एक तरीके से इसका दिमाग की तरह कार्य करता है, ठीक ना, केंद्रक या न्यूक्लियस।
ठीक ना। तो ये जो है एक तरीके से इसका मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, मतलब दिमाग की तरह काम करता है, जो कि जो है इसके समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। अब ये हो गया इसका केंद्रक। फिर जो है इसमें पाया जाता है संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, राजधानी, ठीक ना। सेल शेप जो है उसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, राजधानी इसमें नहीं पाया जाएगा। नहीं, वो वैक्यूल अलग चीज है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है इसके शरीर में जो भी अनडाइजेस्टेड या अपचित पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना, ठीक ना, ठीक ना। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना, ठीक है ना। अपचित भोज्य पदार्थ मतलब जैसे मान लीजिए इसने कोई कीड़ा खाया, तो इसके शरीर में तो ऐसी क्वालिटी है नहीं कि मतलब इसका पंखों को भी ये पचा लेगा, ऐसी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक। तो ये जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है ये इसको जो है संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर बात करते हैं कि भोजन को ग्रहण कैसे करता है, तो इसमें जो है एक संरचना पाई जाती है खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल, उसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका। ठीक, ये जो है एक तरीके से भोजन ग्रहण करने का काम करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण, हाँ, भोजन का, भोजन ग्रहण करना एवं पाचन करना। अब ये भोजन का पाचन करेगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कैसे करेगा, ठीक, क्योंकि इसके पास जो मुख जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो यह फिर क्या करेगा कि यह जो है पहचानेगा पानी में कीड़ा या भोजन किधर है। तो ये जो है मान लीजिए कीड़ा यहाँ पे है, ठीक, इधर देखा ये कीड़ा है, मान लीजिए कोई कीड़ा है, ठीक ना, कीड़ा है ये, कीड़ा है। अब ये मान लीजिए कोई कीड़ा है तो ये इसकी तरफ चल करके जाएगा, और चलने में कौन योगदान करेगा? तो अरे स्यूडोपोडिया, है ना, स्यूडोपोडिया के सहारे ये चलकर गया। चलकर जाने के बाद देखिए क्या करेगा, ये अपने शरीर का जो डिजाइन है ना, अपने शरीर का जो डिजाइन है इसको ये चेंज करेगा, और इस कीड़े को क्या करेगा? ढक लेगा अपने शरीर से। अभी हम लोग पढ़े ना ढक करके, तो ये इसको क्या करेगा? घेर लेगा। जब घेर लेगा तो इस पर जो है फिर ये एंजाइम का प्रभाव करेगा, किसका? एंजाइम या पाचक रस। और जब इस पर एंजाइम का प्रभाव डालेगा, ठीक, तो ये रिक्तिका जो होती ना, जहां ये कीड़ा पकड़ा जाएगा वहीं पर जाकर जो है बनता है। इसका मतलब कह सकते हैं इसके शरीर में रिक्तिका जो होती है वो लगातार बनती और बिगड़ती रहती है, मतलब रिक्तिका इसके शरीर की स्थायी नहीं होती। तो खाद्य रिक्तिका जो होती वो भी क्या होती? परिवर्तनशील होती है, समय के अनुसार बनेगा और बिगड़ेगा। तो जब इसमें भोजन का पाचन होगा, ठीक ना, भोजन का पाचन होने के बाद बचा हुआ अपचित, बचा हुआ अपचित, ये ट्रांसफर किसमें होगा? तो खाद्य रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल, ये संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका जो है क्या करता है कि जब इसमें जो है बच जाएगा भोजन, तो ये जो है किसी भी तरफ किनारे की तरफ भागेगा, मतलब जो है जो इसका परत है बाहरी वाला
उसकी तरफ ये भागेगा, बात समझ आ रही है? यस सर। जब इसकी तरफ ये भागेगा तो इस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए गोला जो है यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो खाद्य रिक्तिका है यहाँ आकर जो है व्यवस्थित हो गई, यहाँ पहुंच गई। जब यहाँ पहुंच गई तो इसके लेयर से टच हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। जब इसके लेयर से टच होगा तो ये क्या करेगा, इसके लेयर से बहुत बारीकी से टच कर जाएगा। जब बहुत बारीकी से टच कर जाएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई पदार्थ क्या इसके अंदर यहाँ घुस सकता है, यहाँ से वहां जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से फट जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना हमको कि ये यहाँ से पहले से जोड़ बना चुका है, जब जोड़ बना चुका है तो इसके शरीर का जो द्रव्य या पदार्थ है वो कहीं से भी लीक करके बाहर आ सकता है? नहीं आएगा। कौन बाहर? जो इसमें अपचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है। और इसके अंदर जो संरचना है वही, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए आपके सामने कोई गोला है, अब आप मान लीजिए इसको खींच देंगे तो ऐसे परिवर्तित नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ये है, इसका दोनों सिरा पकड़ के खींच दीजिए, कोई धागा हो उसको आप खींच दीजिए तो सीधा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाता है। तो अंततः जो है फिर से ये सामान्य अमीबा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका हो गया अमीबा में जो है पोषण कैसे लिया जाता, बात समझ में आई। इसको बनाइए, अमीबा अपने पोषण के दौरान, पोषण के लिए लिखिएगा, अपने पोषण के लिए अपने स्यूडोपोडिया की सहायता से, स्यूडोपोडिया की सहायता से, इसको कूटपाद बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कूटपाद, और देहाती भाषा में नकली पैर, कूटपाद हो गया। अपने स्यूडोपोडिया के सहायता से गति करता हुआ भोज्य पदार्थ की ओर चल कर जाता है। की ओर चल कर जाता है और इस दौरान यह अपने शरीर में धंसे हुए भाग, यहां पे देखिए धंसा हुआ था जहां से भोजन ग्रहण किया, धंसे हुए भाग के द्वारा अपने शरीर के आकार में परिवर्तन करते हुए अपने शरीर के आकार में परिवर्तन करते हुए कीड़े को चारों तरफ से घेर लेता है। और इस कीड़े पर अमीबा द्वारा पाचक रस का श्रावण किया जाता है, पाचक रस का श्रावण किया जाता है जिससे कि कीड़े की मौत हो जाती है। और इस प्रकार
मृत कीड़ा, मृत कीड़ा निर्मित खाद्य रिक्तिका में पाचित होने लगता है। मतलब इसको पचाया जाने लगता है, पाचित होने लगता है और पाचन प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद, संपन्न लिखिएगा, पाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इसके शरीर में साइटोप्लाज्म वगैरह भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। संपन्न होने के बाद बचा हुआ अपचित, अनडाइजेस्टेड, बचा हुआ अपचित भोज्य पदार्थ संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, में स्थानांतरित कर दिया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और अंततः कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका अमीबा के सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली में किसी किनारे पर आकर फट जाता है। और इस प्रकार अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है। नीचे लिखिएगा नई लाइन से, अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है। नई लाइन से लिखिएगा, ये समस्त प्रक्रियाएं जो अमीबा के शरीर में संपन्न हो रही थी, ये समस्त प्रक्रियाएं जो अमीबा के शरीर में संपन्न हो रही थी सबका नियमन एवं नियंत्रण इसके केंद्रक के माध्यम से होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है अमीबा में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकांड्रिया वगैरह भी पाया जाता है। ओ, MIT ठीक ना,
माइटोकांड्रिया काम क्या होता है आपको पता होगा। ये शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा होगा उसको इकट्ठा करना, जिसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यूकैरियोटिक में तो माइटोकांड्रिया पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है ऊर्जा एकत्रण के लिए? ठीक है ना, मीसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया। ठीक है ना, ठीक आज ये छोड़ दीजिए ठीक।